खबर आसनसोल हिंदी स्पॉन्सर्ड बाय श्री श्री आयुर्वेदा सेंटर। खबर आसनसोल उर्दू स्पॉन्सर्ड बाय सूरज ब्रांड मस्टर्ड बाय। होली मिलन के अवसर पर इस निशस्त का एहतमाम किया गया था। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एक तरफ मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम चल रहा है, इसलिए हम लोग आइन कानून को सामने रखते हुए साउंड सिस्टम थोड़ा धीमा रख रहे हैं। थोड़ा सा आप लोग भी एडजस्ट कर लीजिए ताकि किसी को शिकायत का मौका नहीं मिले। दूसरी बात, जो हमारी टीम है सब को लेकर एक कोई ऐसा मौका फराहम कराया जाए जिससे गेट टुगेदर हो। तो हमारा ये हिंदी उर्दू न्यूज़ पर होली मिलन के हिंदुस्तानी है और ये हमारी फिर अच्छी के दरमियान तशरीफ लाइन आप लोग हैं, उसको आप लोग फुलफिल नहीं कर स्टैंडर्ड के हिसाब से आ गए हैं। लेकिन महान है वो लोग जो न्यूज़ इंचार्ज भी हैं, रेल पार के इलाके के साफी भी हैं और बहुत से स्कूल टीचर भी हैं, अखबार नशीक से भी जुड़े हैं। गुजारिश है कि बाबा प्रोग्राम का आगाज करें। होली त्यौहार है बंद का, होली त्यौहार है मस्ती और उमंग का। इस रंग भरे त्यौहार, इस मस्ती भरे त्यौहार, इस कवि सम्मेलन और मुशायरे का एक मकसद यहाँ ये है, मंसूर को सपोर्ट करते हैं किसी भी तरीके से उन तमाम लोगों को। इसी मकसद के तहत आज ये कवि सम्मेलन और मुशायरे का आयोजन किया गया है। दोस्तों, हालांकि मुशायरे और कवि सम्मेलन के बड़े सच्चे भईखा जनाब एवी शमसी पे जरूर जमा होते हैं, मौजूद होते हैं, मेरी मुराद दोस्तों। और बात जब तहरीक की आती है, बात जब ऑर्गेनाइजेशन की, स्टेट की जुबान बल्कि मैं कहूँ कौमी जुबान जो हिंदी है उस उर्दू हिंदी की। दोस्तों, मैं तारुफ से पिछले करा रहा हूँ कि जो मैंने कहा कि हमारे दरमियान के अंदर इल्म की रोशनी इनका दिया जगमगाने की कोशिश। अगर मैं उसी दर्स तदरीस के शोबे में जरा सा आगे बढ़ूं तो हमारे शहर बर्नपुर से है बर्नपुर रफी अहमद खान साहब भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। आपस की बात करें, अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, अगर हम रिलीजियस लीडर में इस शहर में इस रियासत में जब कभी एकता की बात आती है, जब कभी इतिहास जिन्हें लिखना पढ़ना नहीं आता, जिन्हें ठीक से बोलना नहीं आता लेकिन सिर्फ अपनी जाती सलाहियतों की बदौलत वो शख्स नहीं आप बहुत तेजी के साथ अपनी पहचान बनाने में कामयाब होने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। शुक्रकारं व्याप्तं येन चराचरं सर्वदं दत्तं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा मातरं जगद्व्यापिनीं बीड़ा पुस्तक धारिणीं वेदां जाड्यन्धकारापः हस्ते स्फाटिकमालिनां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धि प्रदां शारदां। माँ सरस्वती के चरणों में सादर नमन है। फिर पुनः एक बार आए हुए समस्त विद्वानों का हमारी तरफ से हार्दिक स्वागत है। साथ ही मंदन भी है, जो आशीर्वाद चुके हैं वो अपना जो आशीर्वाद प्रदान करेंगे और जो आशीर्वाद के आकांक्षी हैं हमारे तरफ से उनके लिए आशीर्वाद है। जय जवाहर कि जहाँ तिलावत कलाम पाक होती है वहाँ सरस्वती वंदना भी होता है। किसी ने क्या खूब कहा है कि मजहब नहीं ईमान पढ़े जाते हैं, मजहब नहीं ईमान पढ़े जाते हैं, चेहरे नहीं इंसान पढ़े जाते हैं। अरे भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ एक साल गीता और कुरान पढ़े जाते हैं। पेश कर रहे हैं क्या ही अच्छा हो कि चलिए दरमियान अभी अभी कुछ और नए मेहमानों की आमद हुई है। दोस्तों, पश्चात अपनी पहचान को बनाने में कामयाब हो चुका है और शहर आसनसोल के लेकिन उनका कदम बहुत होता है।
जब वो मजलिसों में आते हैं जिनको हिंदी से मोहब्बत है वो सब के समझाने करें और मुसलमान और हिंदू की जान कहाँ है मेरा हिंदुस्तान मैं उसको ढूंढूंगा मुसलमान और हिंदू की जान कहाँ है मेरा हिंदुस्तान मैं उसको ढूंढ रहा हूँ मैं उसको ढूंढ रहा हूँ मेरे बचपन का हिंदुस्तान न बांग्लादेश न पाकिस्तान मेरे बचपन का हिंदुस्तान न बांग्लादेश न पाकिस्तान मेरी आशा मेरा अरमान मेरी आशा मेरा अरमान वो पूरा पूरा हिंदुस्तान मैं उसको ढूंढ रहा हूँ मैं उसको ढूंढ रहा हूँ मुसलमान और हिंदू की जान कहाँ है मेरा हिंदुस्तान मैं उसको ढूंढ रहा हूँ और आगे थोड़ा सा ध्यान देख सुनिएगा वो मेरा बचपन वो स्कूल वो कच्ची सड़कें उड़ती धूल वो मेरा बचपन वो स्कूल वो कच्ची सड़कें उड़ती धूल लहकते बाग महकते फूल लहकते बाग महकते फूल लहकते बाग महकते फूल वो मेरे खेत मेरा खलिहान मैं उसको ढूंढ रहा हूँ मैं उसको ढूंढ रहा हूँ मुसलमान और हिंदू की जान कहाँ है मेरा हिंदुस्तान मैं उसको ढूंढ रहा हूँ मैं उसको ढूंढ रहा हूँ और जैसा उर्दू और हिंदी के बारे में अभी अभी कहा जा रहा है तू गजले हिंदी गीत वो उर्दू गजले हिंदी गीत कहीं वो प्यार कहीं वो पीर पहाड़ी झरनों के संगीत देहाती लहरा पुर बीतान मैं उसको ढूंढ रहा हूँ मैं उसको ढूंढ रहा हूँ मुसलमान और हिंदू की जान कहाँ है मेरा हिंदुस्तान मैं उसको ढूंढ रहा हूँ और आखिरी चार लाइन जहाँ थे तुलसी और कबीर जैसी जैसे पीर फकीर जहाँ थे तुलसी और कबीर जैसी जैसे पीर फकीर जहाँ थे मोमिन गालिब मीर जहाँ थे रहमत और रस खान मैं उसको मुसलमान और हिंदू की जान कहाँ है मेरा हिंदुस्तान मैं उसको ढूंढ रहा हूँ और आप लोग आ गए हैं हिंदुस्तान इंशाल्लाह फिर से वैसा ही बनेगा और हम लोग एक हो जाएंगे और कभी अगर नहीं श्री श्री आयुर्वेदा सेंटर अच्छे स्वास्थ्य व कल्याण के लिए गुणवत्ता परक उत्पाद आयुर्वेदा ही व्यवहार करें और रहे स्वस्थ और सुंदर श्री श्री आयुर्वेदा सेंटर में नामी ग्रामी कंपनियों के प्रोडक्ट जैसे श्री श्री आयुर्वेदा पतंजलि डाबर बैद्यनाथ झंडू और व्यास के सभी प्रोडक्ट होलसेल और रिटेल दरों पर पाए जाते हैं ध्यान रहे हमारे यहाँ प्रत्येक महीने श्री रवि शंकर जी के बेंगलोर आश्रम से आयुर्वेदिक डॉक्टर आते हैं जो नब्ज देखकर आपके रोगों का आयुर्वेदिक पद्धति से सफलता
पूर्वक इलाज करेंगे तो रहे तंदुरुस्त और दिखे सुंदर। व्यवहार करें आयुर्वेदा प्रोडक्ट श्री श्री आयुर्वेदा सेंटर रोमी टावर हाटन रोड आसनसोल। सूरज ब्रांड मस्टर्ड ऑयल रिफाइंड तेल के जहरीले असरात से बचने के लिए सूरज ब्रांड का प्योर कच्ची घानी सरसों का तेल ही इस्तेमाल करें। FSSAI सर्टिफिकेट याफ्ता प्योरिटी और डेंसिटी के मामले में लिलाबा एनालिटिकल लेबोरेटरीज में साबित डबल फिल्टर सेहत के लिए बेस्ट खाने और दूसरी तरह से इस्तेमाल के लिए ग्रेड वन सूरज ब्रांड मार्का सरसों का तेल ही खरीदें। दो चीजों से हम समझौता नहीं करते, क्वालिटी और वेट। रोजमर्रा और शादी ब्याह के मौके पर रابطہ करें। सूरज ब्रांड मस्टर्ड ऑयल बर्नपुर पश्चिम बर्दवान मार्केटेड बाय ABU ट्रेडिंग कंपनी। डेनिम कोचिंग सेंटर मकरवी कपड़ा के स्टूडेंट्स को अब मायूस होने की जरूरत नहीं। झारखंड के पर्दर्स और दिल्ली के मंजूरशुदा कॉलेजेस से अब वो रेगुलर या डिस्टेंस के साथ साथ मैट्रिक BCom, BBA, MBA, BCA और MCA के इम्तिहानात में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा बैंगलोर और राजस्थान के किसी भी कॉलेज से BTech, BEd, MEd का कोर्स और DEd का कोर्स मुकम्मल कर सकते हैं। कोचिंग सेंटर BNM कोचिंग सेंटर रजिस्ट्रेशन ऑफिस बर्नपुर। तेरे घर उपवास हो जो मेरे घर रमजान हो। आज खबर आसनसोल ने जो महफिल सजाई है और जिन हस्तियों को यहाँ बुलाया है, यकीनन लग रहा है कि वो हिंदुस्तान बस यही मौजूद है, यही मौजूद है, यही मौजूद है। मैं क्या कहूँ कि खबर आसनसोल की जब बात आती है कि इस नौजवान ने निशात अहमद ने जो कोशिश की और बहुत कम वक्तों में इस न्यूज चैनल को सिर्फ इंतहाई बुलंदियों तक ले जाने में कामयाब नहीं हुआ। उसका एक मिशन है और अपने मिशन को कामयाब होते दिखाए थे। उनका मिशन है कि आज जो ये माहौल है, आज जो ये नफरत का माहौल है, इस नफरत के माहौल को बदला जाए, इस नफरत को मोहब्बत से बदला जाए। और नफरत के माहौल को मोहब्बत से बदलने के लिए उन्होंने बेशुमार प्रोग्राम हो सकते थे, लेकिन आज कवि सम्मेलन के साथ चारे का इनका। और मैं बताऊं कि खबर आसनसोल को अगर इंतहाई मंजिलों तक ले जाने की कोशिश में कामयाब हो गए हैं तो इस कोशिश में उनके बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, उनके बहुत सारे ऐसे रफीक हैं, उनके बहुत सारे ऐसे वेलविशर्स हैं जो कोशिश कर रहे हैं ताकि ये चैनल आगे की तरफ बढ़े और वाहिद प्राइवेट न्यूज चैनल उर्दू और हिंदी का जो इस रियासत में चल रहा है उसको तरक्की की मंजिलों तक पहुँचाया जा सके। और बात जब इस चैनल की आती है तो मुझे इस चैनल के एक एडवाइजर का नाम याद आता है, एक ऐसा एडवाइजर जो देखने में खुद भी खूबसूरत हैं, जिनके ख्यालात खूबसूरत हैं, जिन हमारे दरमियान मौजूद हैं, जो खबर आसनसोल के एडवाइजर हैं। मैं उनका इस्तेमाल कर रहा हूँ दोस्तों, ऐसे लोगों की वजह का खबर आसनसोल यकीन इंतहाई मंजिलों तक पहुँच रही है। अगर चीफ एडवाइजर की बात की जाए तो फिर शहर पुलटी से तशरीफ लाए हुए हमारे खुर्शीद अनवर साहब, ये चीफ एडवाइजर हैं खबर आसनसोल के। और आप देख रहे हैं कि इन लोगों के मशवरों से आज ये चैनल इंतहाई मंजिलों तक पहुँच रहा है। अगर मैं पास से मैंने तेरा नाम गजल रखा है, अरे मैंने शाहों की मोहब्बत का भरम छोड़ दिया, अपने कमरे में भी एक ताज महल रखा है, ताज जैसे शख्सियत सैयद मोहम्मद अफरोज साहब, मैं उनका इस मजलिस में इस्तकबाल कर रहा हूँ दोस्तों। और यही ये सफर आगे की तरफ बढ़ा रहा है, एक मतलब तालियां बजा दोस्तों। जिन्होंने इतनी अच्छी महफिल तय कर दी, कल से गदर से कबल दो मिसरे, वो मेरे पीठ पे खंजर जरूर मारेगा। ये मिसरा निशा भाई के हवाले के, वो मेरे पीठ पे खंजर जरूर मारेगा मगर निगाह मिलेगी तो मुझसे हारेगा। क्या बात, क्या बात है, क्या बात है। मेरे पीठ पे खंजर जरूर मारेगा मगर निगाह मिलेगी तो मुझसे हारेगा। मुसीबतों से वो घबरा के हार मानेगा, मुसीबतों से वो घबरा के हार मानेगा, जरूर हमको मदद के लिए पुकारेगा, जरूर मदद के लिए पुकारेगा। गजल का मतलब पेश खिदमत है। आस्ती में सांप को अब तो लिए बैठा है, आस्ती में सांप को अब तो लिए बैठा है वो, मौत का सामान यज्ञा खुद किए बैठा है वो, मौत का सामान यज्ञा खुद किए बैठा है वो, और सारी दौलत सारी ताकत उसकी जायब हो गई, सारी दौलत सारी ताकत उसकी जायब हो गई, जिंदगी खैरात की यारों लिए बैठा है वो, जिंदगी खैरात की यारों
लिए बैठा है वो, और कल तलक जिसकी सदाएं गूंजती थी शहर में, कल तलक जिसकी सदाएं गूंजती थी शहर में, आज जाने क्यों लबों को खुद सिए बैठा है, आज जाने खुद लबों को खुद सिए बैठा है वो। और ये शेर देखें, कर्ण दे कुर्बान राहे हक में जिसमो जाना, कर्ण दे कुर्बान राहे हक में अदल से ही पिए बैठा है, जाम हैदर का अदल से ही पिए बैठा है वो। और आखिरी शेर देखें, साथ रहने की कसम खाई थी जिसने उम्र भर, साथ रहने की अपन भाई साथ रहने की कसम खाई थी जिसने उम्र भर, आईना तन्हाइयों का खुद लिए बैठा है, आईना तन्हाइयों का खुद लिए बैठा है वो। और मंजर खुश हुआ है हार जाते हैं जहाँ पे लोग बाजी है अदीब, हार जाते हैं जहाँ पे लोग बाजी है अदीब, हार कर भी जीत का सामना किए बैठा है, हार कर भी जीत का सामना किए बैठा है। शुक्रिया। दीवार गिराते हैं नफरत की, आओ दीवार गिराते हैं प्यार से एक दूजे को गले लगाते हैं, प्यार से एक दूजे को गले लगाते हैं, तुम भी सफा पाओ जम जम से और हम भी गंगा के पानी से वजू बनाते हैं, गंगा के पानी से वजू बनाते हैं, आओ मिलके। और ये मैं चार मिसरा पढ़ना चाहता हूँ, चूंकि मिसरा भाई का हुक्म था कि होली को कुछ कहा जाए, मैं चार मिसरा करता हूँ। हम अपनी चाहते यारो दिखा देंगे जमाने को, हम अपनी चाहते यारो दिखा देंगे जमाने को, हकीकी रंग दे देंगे मोहब्बत के फसाने को, हकीकी रंग दे मोहब्बत के फसाने को, जो पड़ जाएगा फीका रंग तो यारो खबर करना, जो पड़ जाएगा फीका रंग तो यारो खबर करना, जिगर का फूल दे देंगे तुम्हें होली मनाने को, जिगर का फूल दे देंगे तुम्हें होली मनाने को। और ये चार मिसरा, ये माना जिसमें तो दो है मगर एक जान है यारो, ये माना जिसमें तो दो है मगर एक जान है यारो, यहाँ हम मिल के रहते हैं ये हिंदुस्तान है यारो, यहाँ हम मिल के रहते हैं ये हिंदुस्तान है यारो, जुदा भाई को भाई से न कर पाएगा कोई भी, जुदा भाई को भाई से न कर पाएगा कोई भी, ये हिंदू और मुसलमान तो यहाँ की शान है यारो, ये हिंदू और मुसलमान तो यहाँ की शान है यारो। बहुत बहुत शुक्रिया। आसनसोल खबर की तरफ से एक भव्य व्यवस्था की गई है, मित्रों होली मिलन, ये होली मिलन के समय में
जरा शांति रहे मित्रों। एक कविता होली पर हम आप लोगों को सुनाने जा रहे हैं। होली है हमारे एक मित्र का बैठे अपने शहर में कि होली के लिए हम अपना लहू निकाल करके दे सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है, ये प्यार की बात है, ये मिलन की बात है। आज हम लोग बात तो करते हैं लेकिन कभी कभी अपनी बात को भुला जाते हैं। हमें हमेशा मिलके रहने का प्रयत्न करना चाहिए। हिंदू मुस्लिम के नाम पर क्यों तू लड़ते हो, हिंदू मुस्लिम के नाम पर क्यों तू लड़ते हो, झगड़ा के भाई भाई संग मिल जाओ, सबको रखो मिला के, हिंदू मुस्लिम के नाम पे क्यों तू मरते हो तगड़ा के। यार हिंदू मुस्लिम के नाम पर ये समाज को बांटना बड़ी दुख की बात है, लेकिन आज हमारे देश के बड़े बड़े मसीहा लोग इस देश को बांट रहे हैं, शायद हम लोग के बीच में तो कोई भेद नहीं। आइए होली पर छोटी सी रचना आपको हम पेश कर रहे हैं। फागुन के रस रंग सखी, फागुन के रस रंग सखी, देख शोभा चुंदन चट के रंग धानी, फागुन के रस रंग सखी, देख शोभा चुंदन चट के रंग धानी, प्रीत की नित पूरी सखी नित, फागुन के रस बोलत बानी, लाल गुलाल से गाल खिले, लाल गुलाल से गाल खिले, या किया तरस रस दोसर जानी, प्रीत की नित पूरी सखी नित, फागुन के रस बोलत बानी, लाल गुलाल से गाल खिले, या किया तरस रस दोसर जानी। ऋतुराज फागुन के रस रंग चके देख सोभे चुंदर चट के रंग धानी, जब श्याम के नाम भई राधिका, जब श्याम के नाम भई राधिका, रस जुड़े चुंदर से गुलाब का पानी, जब श्याम के नाम भई राधिका, रस जुड़े चुंदर से गुलाब का पानी, धरती असमान समान लगे जब भंग के संग मिली हो जवानी, धरती समान समान लगे जब भंग के संग मिली हो जवानी, फागुन के रस रंग सखी देख शोभे चुंदर चट के रंग धानी, की खैरियत मेरी हुजूर, चप्पल से उसने ली खैरियत मेरी हुजूर, होली मनाने का मुझे इनाम मिल गया, होली मनाने का मुझे इनाम मिल गया। एक नज़र से दो दिन से इसके बाद मैं उत्सुक हो जाऊंगा, आपकी नजर करता हूँ। इस बड़ा यूज हो गया इसको शायरी का, बड़ा यूज हो गया हर शेर मेरा, देखिए अब न्यूज हो गया, हर शेर मेरा देखिए अब न्यूज हो गया, अब बेगम के साथ आ गई बुरखे में सालियां, बुरखे में सालियां, बेगम के साथ आ गई बुरखे में सालियां, यारों कसम खुदा की मैं कन्फ्यूज हो गया, यारों कसम खुदा की मैं कन्फ्यूज हो गया। और ये शेर उनके लिए है जिनकी शादी हो चुकी है लेकिन फिर भी इधर उधर देखते हैं, उनसे मुतल्लिक ये शेर के, मासूम का मेरे साथ थी और बीबी आ गई, और बीबी आ गई, मासूम का मेरे साथ थी और बीबी आ गई, बत्ती मेरे दिमाग का बस फ्यूज हो गया, बत्ती मेरे दिमाग का बस फ्यूज हो गया। और ये शेर शर्मा भाई के लिए स्पेशल, सुन लीजिए, के बूढ़ी का कटिए मेरा किसी जिम का नहीं, किसी जिम का नहीं, बूढ़ी का कटिए मेरा किसी जिम का नहीं, चप्पल पुरानी बीबी का
का सब यूज हो गया। खबर आसनसोल उर्दू स्पॉन्सर्ड बाय सूरज ब्रांड मस्टर्ड ऑयल। खबर आसनसोल हिंदी स्पॉन्सर्ड बाय श्री श्री आयुर्वेदा सेंटर।